दोस्तों आपको तो पता होगा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए वहाँ पर नया साल वैसे नहीं मनाया जाता है जैसे कि सारे यूरोप कंट्रियों में मनाया जाता है। दोस्तों पूरी दुनिया में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। नए साल का जश्न सभी लोग तरह तरह से मनाते हैं। यूरोप के लोग नए साल के दिन जमकर पार्टियां करते हैं, और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी लोगों के घर घर सेलिब्रेट किया जाता है नए साल के दिन। और वहीं पर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां के लोग भी कुछ हद तक नया साल का जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नया साल का दिन कैसा मनाता है और वहां पर क्या क्या चीजों को खरीदा जाता है। इसलिए अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों क्या क्या बिकता है पाकिस्तान में? आपको बता दें कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग नॉनवेज ही खाते हैं और वही उनको पसंद भी है, तो वहाँ के लोग किसी विशेष दिन नॉनवेज ही बनाना पसंद करते हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि नई साल के यहाँ पर सुबह सुबह चिकन की दुकानों पर और मटन की दुकानों पर भी काफी भीड़ लगती है, और यहाँ के लोग लाइनों में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार भी करते हैं। और दोस्तों वहीं पर भारत की बात करें तो भारत में भी इस दिन जमकर नॉनवेज खाया जाता है, और सुबह सुबह लोग मीट की दुकानों पर पहुंच जाते हैं और लाइनों में खड़े हो जाते हैं, जैसे कि लॉकडाउन में पैसे निकाले थे लोगों ने। खास तौर पर नया साल का पहला दिन बुधवार को हो या फिर रविवार को, इस दिन आपको दुकानों पर बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इस दिन लोग छुट्टियों से फ्री भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको एक और रोचक तथ्य बताते हैं जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों कुछ रिपोर्टों के अनुसार माना जाता है और कुछ स्टडी के भी अनुसार कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर साल लगभग 3.7 मिलियन टन मीट खा लिया जाता है। क्या आप भी पाकिस्तान से हैं? और अगर हैं पाकिस्तान से तो हमारे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि आज आपने क्या बनाकर खाया है। दोस्तों पाकिस्तानी लोग कैसे मनाते हैं नया साल? आपको बता दें कि पाकिस्तान का नया साल वैसे नहीं मनाया जाता है जैसे कि सारे यूरोप कंट्रियों में मनाते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग नया साल 1 जनवरी को नहीं मानते, बल्कि जिस दिन उनके मजहब के हिसाब से 2024 की बात करें तो पाकिस्तान के लोगों के लिए 2024 का नया साल 17 जुलाई के आसपास पड़ेगा। दरअसल इस्लाम को मानने वाले लोग हिजरी कैलेंडर के ही हिसाब से नया साल मनाते हैं, और इस कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी से शुरू हुई थी, और इसी के अनुसार इस्लाम में नया साल मुहर्रम के पहले दिन ही शुरू होता है। हालांकि इस बार पाकिस्तान में नए साल के जश्न पर रोक है, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री ने अच्छा फैसला लिया है, और वह फैसला गाजा के लोगों के प्रति अपनी संवेदना को जताते हुए उन्होंने नए साल के जश्न पर रोक भी लगा दी है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो हमारा पूरा देखा होगा, तो जरूर कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं।